All the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Assalamualaikum, good morning Pakistan, क्या हाल है, कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक लग रही हूँ? अरे ये सवाल मैं आपसे नहीं करी, ये सवाल आपसे कभी आपकी बेटी करती है, कभी अगर दुल्हा भाई देख रहे हैं तो कभी आपकी बेगम करती है, कभी आपकी बहन करती है और कभी अम्मियाँ भी करती हैं। सुनो मैं कैसी लग रही हूँ बेटा, बताओ ज़रा मुझे। ये जो हम हैं ना, हम ख़वातीन हैं ना, हम सेटिस्फाई नहीं होते अपनी लुक्स को लेकर। ये और बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप को लेकर थोड़ा बहुत बेहतर होता जाता है अगर हम ग्रूम होते हैं, अगर हमें तारीफ सुनने को मिल जाती है, अगर हमें लोग कहते हैं वाह यार ये कट अच्छा लग रहा है, वाह यार ये जो कपड़ों का कट है ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाली लिपस्टिक का कलर तुम पे बहुत सूट करता है। लेकिन आप नोट करें, हमेशा जब आपकी बेटियाँ होती हैं तो वो कभी ये कपड़े निकालती हैं, कभी वो कपड़े निकालती हैं, ये पहनूं या वो पहनूं, हमेशा पूछ रही होती हैं। जब उनकी शादी नहीं हुई होती तो वो अम्मी से मशवरे मांग रही होती है, अम्मी नहीं तो अब्बू, बहुत सारी बच्चियां तो अब्बू से मशवरे मांग रही होती हैं। और फिर जब उनकी शादी हो जाती तो फिर वो अपने मियाँ परेशान हो जाता है क्योंकि वो कहती हैं कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं। और कभी कभार तो ऐसा होता है मियाँ कहते हैं ये पहनो तो वो पहनती वही है दूसरे वाला, क्योंकि उनको लगता है इनका मियाँ चाहता नहीं है कि वो अच्छी लगे। सो हमेशा आपका जो वो पूछने वाला फ़र्द है वो ज़िंदगी में आपका चेंज होता रहता है। कभी कभार आप अपनी दोस्तों से भी मशवरा लेती हैं जब कोई बड़ा इवेंट होता है उसके लिए तैयारी करने के लिए। मैंने एक बात नोट की है वैसे सच्ची में, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन अपने वालिदैन से लेते हैं, तो अगर आपकी अम्मा के एस्थेटिक्स अच्छे नहीं हैं, वो बहुत जर्क बर्क कपड़े पहनती हैं, आपके पूरे ख़ानदान में ये रिवाज है कि जर्क बर्क कपड़े होने चाहिए, बड़े बड़े फूल होने चाहिए, मतलब हर चीज़ की एग्जैचुरेशन है, हर चीज़ में ना जेवर गोल्डन ज़्यादा होना चाहिए। आप देखें ख़ानदान के ख़ानदान होते हैं, मैं अलग अलग शादियाँ अटेंड करती हूँ तो मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है, शायद जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है। सो मैं बड़ा नोट करती हूँ कि ये ख़ानदान जो है पूरा इसमें सोना गोल्ड पहनने का रिवाज है। फिर कोई शादी में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत मिनिमलिस्टिक जो जेवर है वो पहनावा है, कपड़े जो हैं बड़ी डिसेंट हैं, बहुत कम उस पर काम हुआ है, कलर्स बहुत पेस्टल यूज़ किए हुए हैं। सो आप जब भी किसी ख़ानदान की शादी में जाएंगे या किसी भी इवेंट पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरे लोग उनकी चॉइसेस एक जैसी होती है। सो उसी तरह सबसे पहले बच्ची अपने अम्मा को देखती है, अगर अम्मा डिस्को अम्मा है मेरी तरह, मेरी बेटी फिर भी ऐसी नहीं है, वो शायद वो डिस्को अम्मा होगी, डिस्को बच्ची थी, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वो ग्रूम होती गई, उसके स्टैटिक्स अपने हिसाब से चेंज होते गए, जैसे जैसे उसने दुनिया देखी या उसकी दोस्तें थीं इर्द गिर्द, बहुत सारे इंस्टा स्टोरीज़ रील्स सोशल मीडिया, जो आजकल के सेलेब्रिटीज़ हैं जो गोरे हैं, जो सिंगर्स हैं इंटरनेशनल सिंगर्स, उनको देखते देखते ये बच्चियाँ ग्रूम हो रही हैं। और फिर ये अपनी अम्मा को फॉलो करने के बजाय ये अपना इनका एक दिमाग बनता है, और फिर मुझे ऐसा लगता है उस एस्थेटिक्स मुझसे ज़्यादा बेहतर हो गए। और जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है मेरी अम्मा के मुकाबले में मेरे एस्थेटिक्स बेहतर है, मगर फिर भी ऐसी बहुत सारी अम्माएँ हैं जो बच्चियाँ कहती हैं कि अम्मा हमें भी कुछ बता दें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो ये जो दिमाग है ना, या तो ये आपको पहनने ओढ़ने की तमीज़ बताता है या नहीं, आपके अंदर या तो पहनने ओढ़ने की तमीज़ है या है ही नहीं। सिरे से कुछ लोग सीख ही नहीं पाते हैं, चाहे आप उनको कितना भी सिखा लेंगे उनको लगेगा नहीं वही जो हम बड़े बड़े फूल पहनते हैं, गोल्डन गोल्डन चीज़ें, गंदी वाली गोल्डन वाली चीज़ें पहनते हैं, वही हम पे सूट करती हैं। आप कितना भी समझा लोगे, मैंने एक अपनी कज़न है उनका मेकअप किया, बड़ा लाइट सा बड़ा प्यारा सा बड़ा सॉरी सॉफ्ट सा, बड़ी यंग लग रही थी वो, मगर उनको आदत थी वही डार्क मरून पर्पल लिपस्टिक लगाने की। उन्होंने पूरा मेकअप धो दिया कि नहीं ये मुझ पर सूट नहीं कर रही, ये लिपस्टिक मुझ पर सूट नहीं कर रही,
उनको वही गोरा मेकअप चाहिए था, उनको वही पर्पल डार्क कलर की लिपस्टिक चाहिए थी, क्योंकि वो उसकी आदी हो चुकी थी। जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते तो फिर आपको अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। मगर आप अपने आप को अगर थोड़ा सा लूज़, थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सा रिलक्टेंट छोड़ देते हैं, सो फिर आपके अंदर चेंज होने का मार्जिन होता है। अब देखिए ना, इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं, रमज़ान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, सो अगर भी आप कुछ नहीं सुधरे, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी, सो जो चीज़ आपके लिए बनी है वो हमारे यहाँ कुछ, वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट्स, इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि वो जिसको खुद पहनना ओढ़ना आता है, जो साइंस समझ चुका होता है किस वक्त क्या करना है, उससे कुछ सीखना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इस सारे हलके में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कुछ भी पहनता है, जो कितने का भी पहनता है, वो सबसे मुनफरिद नज़र आता है, और फिर आपको लगता है ये है आपका गुरु। तो आइए आपके गुरु से आपको मिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ताकि वो आपकी कुछ इधर से उधर चीज़ें करने में हेल्प कर सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, मेरे अंदर एनर्जी तो बहुत है, मेरा गला मेरी जो है ना, उस एनर्जी को आपके सामने लेकर नहीं आ पा रहा। जितनी ज़ोर से मैं रोज़ बोलती हूँ नहीं बोल पा रही, पता नहीं क्यों सुबह से उठती हूँ गले में इतना दर्द है, और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते मैं इतनी शदीद बीमार होने वाली हूँ। वो जो बीमारी के जो वो होते हैं ना जरासीम, वो मुझे कुछ लग चुके हैं ज़्यादा काम करने से। सो खैर, आज का शो है आपको गाइडलाइंस देने का, और हमने जिन लोगों को पिक किया है वो हमेशा पता नहीं कैसे परफेक्ट लगते हैं, चाहे वो कितना भी काम कर रहे हों, चाहे वो कितने भी थके हुए हों, चाहे वो किस भी महफिल में हों, हमें लगता है कि वो उस महफिल के हिसाब से परफेक्ट तैयार हुए हैं। सो बजाय इसके मैं किसी स्टाइलिस्ट को बुलाती, मैं क्यों ना स्टाइल आइकॉन्स को बुलाऊँ, जो हमेशा बड़े अच्छे सजे सवरे नज़र आते हैं, खुद ही अपना मेकअप कर लेते हैं, खुद ही अपने हेयर कर लेते हैं, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही कपड़े बना लेते हैं, खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं, खुद ही बजट्स में रहते हुए उनको पता है कि कैसे अच्छा लगना है। सो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके ख़ानदान में होते हैं, आपके दोस्तों के सर्कल में होते हैं, और हमेशा आप उनको देखते तो एडमायर करते हैं, यार कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हो। सो मेरे साथ आपको पता है कौन है ऐसे लोग जो हमेशा सजे सवरे नज़र आते हैं, शर्मीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड अंबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और तीसरी वाली माशाल्लाह सोती रह गई हैं। सो बीनेश, अगर तुम किसी ब्राइड का अपॉइंटमेंट लो सोते मत रह जाना, मैं तुम्हें यही कहूँगी। सो वो हाँ, शुक्र है कि सुबह की शादियाँ नहीं निपट आती वो। बीनेश को हम बेले बजा बजा कर, बीनेश तुमने ये सुनना है इंट्रो, बेले बजा बजा, हमें पता ही नहीं कि वो कौन से अपार्टमेंट में रहती है, ड्राइवर कह रहा है बाजी कैसे लेकर आऊँ उसको, फोन नहीं वो उठा रही है। तो हमारी तीसरी वाली स्टाइल आइकॉन, ड्राइवर पहुंच चुके हैं वैसे वहां, अरे खड़े हुए हैं अपार्टमेंट के नीचे, अब ये नहीं पता कौन सा है। बीनेश चौकीदार हो, कोई हो जानता हो उसे कह के जाए, कह रहा बाजी मैं किस किस की बेले बजाऊं। हाँ नहीं चलो आज मैं शर्मीन ही काफी है। हाँ वो सोती रह गई हमारी, मैं सोच रही थी किसी दिन अगर मैं सोती रहेगी तो शो कैसे होगा, कौन करेगा, आज तक नहीं हुआ ऐसा मेरे करियर में, कैसा कितना करूं। नहीं ऐसा वैसे आपको वो करने नहीं देंगे, पूरी की पूरी जो टीम है ना आपके घर पे पहुंच जाएगी देखने के लिए कि कहाँ है निदा और किधर है। मैंने कहा बल तो होगा नहीं, मैंने कहा कि वो शहजादी खुद जाएगी ना, और वही हुआ, खुद ही है ना एक दफा। जो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे कमरे में बेल आती नहीं है, मेरी मेज जो दरवाजा खोलती है वो सोती रह गई थी, वो शहजादी बेले बजा रही थी मेकअप के लिए, बेले बेले बजाती बजाती नहीं खोला किसने, इसने मेरे घर पे मेन गेट पे छलांग लगाई है। ज्यादा अब वो नहीं दे आइडियाज ना दे, पता चले हमारे टेलीविजन पे कैमरा लगे हुए हैं, किस तरह से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी, कोई नहीं ऐसा कर सकता शहजादी के अलावा। फिर वो कूदी है, फिर किचन की खिड़की से अंदर कूदी है, फिर मेड्स के कानों में सुनो हेलो हेलो जाओ निदा को उठाओ। तो मेरे घर में ये काविश हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास बेल नहीं पहुंचती ना कमरे तक, घर के बेल की आवाज नहीं आती। वैसे मुझे भी नहीं याद पड़ता कि जब से मैंने काम स्टार्ट किया है कि मैं कभी सोती, अल्लाह का शुक्र
टच वर्ड कि मैं सोती रह गई हूँ, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अलार्म से पहले भी ना आंख बार बार खुल रही होती है चेक करने के लिए कि लेट तो नहीं हो गए, लेट तो नहीं हो गए, फिकर होती है, एक फिकर होती है, तो मैं अलर्ट होती हूँ सोते हुए भी, मैं ऑन अलर्ट होती हूँ। बेस्ट है 3-4 अलार्म से आप रात को, ये पता नहीं आई डोंट नो ये एक पता नहीं साइकी है क्या है, रात को आप बोल के सो ना अपने ब्रेन को कि आपको इतने बजे उठना, चाहे आप कितने बजे भी सही है सो गए, बिल्कुल सही कह रही हो, ठक करके आंख खुलती है, ठक करके, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, हाँ ओ माय गॉड माइक लगे जब तुम पटर पटर करके बोल रही हो, आंख खुल जाती है, बहुत एंजॉय कर रही है कॉन्वर्सेशन, माइक नहीं लगा ना, जब जिसके पास माइक है वही बोले, बाकी सब गूंगे क्योंकि तुम्हारी आवाज सिर्फ मुझे आ रही है, पब्लिक को नहीं आ रही है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज हम आपको पता है जैसे कि हमारा कंटेंट है, आप लोग हमेशा से बहुत अच्छे तैयार होते हैं और आपको ये पता है कि किस ओकेजन पे जाना है तो क्या पहनना है। हमारे यहाँ पब्लिक को मुझे कभी कभार बहुत दुख भी होता है, नहीं समझ आती उनको कि किस जगह क्या पहनना है। एक ऐसा सिंपल इवेंट और दावत होगी वो शादी वाले कपड़े पहन लेंगे, शादी वाले इवेंट होगा तो वो कोई और किस्म के कपड़े पहन लेंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे कि जैसे दुल्हन वो खुद ही है। तो लोगों को ना ये सेंस नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि मुझे कितना तैयार होना है, मुझे किस तरह का तैयार होना है, किस ओकेजन के लिए। ये लोगों को सेंस देना बड़ा ज़रूरी है, फिर मुझे अपने बॉडी के हिसाब से कैसा तैयार होना है। मैंने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जिनके बच्चे भी हुए हैं फिर वो पतले दोबारा हो गए, उनको अपने कभी मोटा नहीं देखा, और उसमें मैं सरे फेरिस मोमल और सरवत गिलानी का नाम लेती हूँ। उनके बच्चे भी हुए मगर उनको इतनी समझ है कि प्रेगनेंसी में मुझे किस तरह के कपड़े पहनने, मुझे बच्चे होने के बाद जब मेरा वजन बढ़ा हुआ है मुझे किस तरह के कपड़े पहनने। सो लोगों को लगा और सोशल मीडिया पे भी वो इन रहे, सो लोगों को लगा तो ये तो कभी मोटे ही नहीं हुआ, ये तो इनकी जीन्स में है, ये तो लकी है फलाना, नहीं वो जहीन है स्पेशली कपड़े मतलब पहनने के मामले में कि वो उन्होंने किस वक्त क्या पहनना है। सही, मैं ढूंढती रह गई कि सरवत आए अभी तो बेबी हुआ है, वो दावत में है लेकिन उसने कुछ इस तरह का कट पहना है कि वो उसका मोटापा नजर नहीं आ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है जब 9 महीने मोटापा चढ़ता है तो थोड़े महीने उतरने में टाइम भी लगता है, 9 महीने ही लगते हैं उतरने में भी, इफ नॉट लॉन्गर। लेकिन मैंने सरवत को जिस तरह के कट्स में और मोमल को जिस तरह के कट्स में देखा तो मैं एनालाइज ही नहीं कर सकी कि ओ ये मोटी हुई है या कुछ। सो हमारी खवातीन को भी थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि अगर उनका बॉडी कभी कभार मेरे साथ होता है, मेरा वजन बढ़ जाता है फिर मैं मेहनत करके घटाती हूँ तो पता चलता है क्योंकि आप रोज टीवी पे आ रहे हैं और कैमरा तो फौरन पकड़ लेता है कि निदा का फेस भर गया, निदा ने कपड़े पहने हैं उसमें ज्यादा लग रहे हैं, लोअर पोर्शन ज्यादा लग रहे हैं, ट्रू वो वाली चीज। तो हमारी खवातीन को नहीं पता अब वो 20s में है या वो 40s में है या वो 60s में है, एज के हिसाब से नहीं वजन के हिसाब से नंबर मतलब लाइक जो आपका कपड़े हैं वो ज्यादा आपको मैटर करता है। अच्छा मेरे लिए एक जनरल रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि आप, मैं ये बिलीव करती हूँ, यू माइट नॉट अग्री विद मी, कि आप अंडर ड्रेस्ड हो जाए ओवर ड्रेस्ड ना हो। ओवर ड्रेस में आप गड़बड़ कर जाते हैं यूजली, आप थोड़ा सा अंडर ड्रेस भी हो ना, आपके कपड़े थोड़े सिंपलर हों फंक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर आप उसे एक्सेसराइज कर लें हैवी ज्वेलरी के साथ, हैवी दुपट्टा के साथ, तो आप आराम से उसे कॉम्पनसेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक लधा हुआ सूट पहन लेंगे तो वो फिर बहुत बहुत मैंने इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत ऑफ लग रहा होता है इंसान। प्लेट सेफ, आई वुड से प्लेट सेफ, इतना ज़्यादा डेरिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतने अंटर अनलेस के आपके बहुत करीबी कोई रिश्तेदार की बहुत शादी है उसमें तो येस ऑब्वियसली गो ऑल आउट। लेकिन अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड या फिर एक दूर के रिलेटिव या फिर अगर जैसे आपके फ्रेंड्स की होती हैं ओकेजन्स, उसमें आप थोड़ा सा स्टे ऑन द लाइटर साइड एंड यू विल ऑलवेज लुक गुड। बहुत जिंदगी में इस तरह के ब्लंडर्स हुए हैं, शुरू की बात है, मरीना खान की बर्थडे थी उससे अपनी बर्थडे पे बुलाया, ओके तो हम मुझे ऐसा लगता था एक जमाने में, असल में मॉर्निंग शो नहीं करती थी, मेरी नई नई मंगनी हुई थी आज से, तो मुझे लगता था उस जमाने में कि जो नया सिल के आएगा ना दर्जी से जोड़ा वही पहनना, उसको पहनने में बड़ा मजा आएगा, एक वो नए की अलग बात होती है, होता भी है। तो मेरा नया लाइलिक कलर का इस तरह पर्पल चिकन का सूट सिलकर आया, ओके मैंने शलवार कमीज थी वो नया सूट पहना, और जब मैं उसकी बर्थडे पे पहुंची मुझे नहीं
यासर ने सही से बताया था, यासर के थ्रू इनविटेशन आया था कि किस तरह की दावत है। जब मैं वहां गई तो सब वेस्टर्न और ब्लैक और बड़ा एलीट और इस तरह के स्टाइल, जैसे तुमने अभी कपड़े पहने इस तरह के तुमने पहने, इस टाइप के कपड़ों में सब मलबूस थे और मैं देसी बनकर अजीब ना, मैं इतना ऑकवर्ड फील कर रही, सारे सेलिब्रिटीज थे और बड़े स्टाइलिश बड़े स्मार्ट, किसी ने लॉन्ग स्कर्ट पहना, किसी ने कुछ पहना, वेस्टर्न कट्स के सारे कपड़े पहन के आए हुए। मुझे यासर पे इतना गुस्सा आया, तुमने मुझे कहा कि मरीना की बर्थडे है और इस तरह से तुमने मुझे बताया ही नहीं कि किस तरह की गेट टुगेदर है क्या है, और मुझे इतना गुस्सा आया। फिर मरीना ने मुझे अपना स्कर्ट दिया कि अगर तुम्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है तो मेरा लॉन्ग स्कर्ट पहन। मैंने उसकी ब्लैक शर्ट और लॉन्ग स्कर्ट पहना, वेरी नाइस। तो मुझे मतलब बुरा लग रहा था कि मैं चिकन का मॉर्निंग शो वाला सूट पहन के उधर हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ आया थोड़े अरसे बाद कि इसको कैसे मतलब कैसे मर्ज करना है चीज़ों के साथ। तो मैंने अपनी लाइन निकाली थी एक बड़ा प्लेन कपड़ों की, सॉलिड कलर की कॉटन के कपड़े है वो। अच्छा, तो जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने कहा आपने हर जगह अपने ही कपड़े पहनने, आप शादी पे भी जाएंगी तो अपने ही पहनने। शादी पे कॉटन के कपड़े कैसे पहन के जाऊंगा? तो प्लेन रेड कलर का मेरा एक जोड़ा था, मैंने गोल्डन शॉल निकाली, मैंने अपना बड़ा सा नेकलेस निकाला, इयररिंग्स वगैरह कुछ इस तरह का किया काम, और वो गोल्डन शॉल ली और वो ज्वेलरी ली और मैं अपने कपड़े पहन के चली गई। और बहुत अच्छा लग रहा बहुत स्टैंड आउट कर रही थी। एग्जैक्ट, आई थिंक लोगों के इतना देखने के बाद आप तो काफ़ी अवेयरनेस आ भी गई है उसको, जब आपका शीशे में आप खुद देखते हैं ना अपने आप को, आप खुद जज कीजिए क्या चीज़ ओवर लग रही है। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी तो आप कैरी कर सकते हैं हर किस्म, लेकिन उसमें भी अब मैं ये मैंने अगर ड्रेस पहना है इसके नीचे मैं कुछ अगर डिफरेंट वो ट्राउज़र पहनती, क्योंकि ये भी इतना ढीला है नीचे से ट्राउजर, अगर इसके नीचे आप प्लाजो पहन लेते हाँ तो है ना, या खुले पैंचे वाला ट्राउजर पहन लेते। एक घड़ी हो तुम एकदम, एक मिनट, काफी ढीला सा है तो आप ये भी ढीला होता नीचे भी ढीला होता, क्योंकि देखो ये वाला स्टाइल है पूरा। अगर तो ये छोटा होता लंबा नहीं होता तो पहन सकती तो हाँ, आजकल ऊपर से ढीला नीचे से ढीला फैशन में चल रहा है। या मैं इसके अंदर पहन सकती थी प्लाजो पर और अच्छा वाला ढीला वाला यू नो फ्लेयर, तो एक डिफरेंट स्टाइल आता। मतलब फैशन को जिस तरह से भी आप कह रहे हैं कैरी, आपकी एक एक एक्सेसरी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा नहीं, एक सेकेंड और खड़ी हो जाओ ना। ओह सॉरी। देखो अगर तुम्हारी टांगे शेप में हैं और तुमने ये फिटेड पहन लिया हाँ, मगर बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनकी टांगे शेप में नहीं है और वो कहें कि अच्छा हम मंबर की तरह ड्रेसअप हो, तो वो नहीं हो सकेंगी क्योंकि उनको ढीले ही पहनने पड़ेंगे। तुम्हारी टांगे क्योंकि शेप में है वो भद्दी नहीं लग रही ये पहनकर, मगर अगर कोई और तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करे और उसके थाइज इतने बड़े बड़े हैवियर हो, उसके लिए उनको चाहिए थोड़ा ढीला स्ट्रेट स्ट्रेट आई वाज अबाउट टू से स्ट्रेट क्यूलॉट थोड़ा सा लंबा, और वो अगर पेट ज्यादा है तो कट को थोड़ा सा इसको और लंबा कर लें ताकि आपकी जो रुमाली है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप स्ट्रेट ट्राउजर से पहनते हैं ना उसकी जो रुमाली हमेशा बड़ी रखे ताकि आप ओपन भी कट है ना तो बहुत स्टाइलिश लगता है। तो ये छोटी चीज़ें इतनी सारी हैं ना निदा, क्योंकि स्टाइलिंग जब कर रहे होते हैं ना तो आपको खुद लगता है जैसे आप कुर्ते हैं एक पहले ज़माने में और अभी भी लोग क्या करते हैं कि आर्म होल छोटा होता है यहाँ से फिट होता है सही है शेप और फिर वो ए लाइन इतना सूट नहीं करता। आई बिलीव जितना अब आप मोटे हो या दुबले हो थोड़ा सा बल्कि भी हो अगर आपका आर्म होल थोड़ा सा ढीला है स्ट्रेट कट्स, मैं ज़्यादातर जो अपना पहनती हूँ ना सारे स्ट्रेट कट्स होते हैं, लंबे चाक भी रख सकते हैं और आर्म होल आपका स्क्वायर में दें हल्का सा, अगर नॉर्मल 8 इंच 8.5 इंच तो ये 9.5-10 इंच यहाँ से जब लूज़ होगा ना तो वो जो हैवीनेस होती ना वो नहीं आती है। और आम जैसे ही फिटिंग वाले इसमें झोल तो ये सीना बाहर आते हैं सब बल्कि लगता है। ये कुर्ता स्टाइल की बात कर रही है स्ट्रेट कुर्ता, अगर शर्ट भी है फिटिंग आजकल बहुत कम लोग। अच्छा अब अंबर के लिए अलग साइंस है, इसकी बॉडी के लिए मेरी बॉडी के लिए अलग साइंस है। मैं स्ट्रेट कट्स नहीं पहन सकती तुम। अच्छा आप क्या पहनती हैं? ए लाइन। मैं ए लाइन। ओके। मेरे ऊपर स्ट्रेट कट सूट ही नहीं करती। नहीं तुम फिर ज्यादा ढीला नहीं, तुम बिल्कुल स्ट्रेट कट दो
मैं उसकी बात नहीं करता, बहुत ढीला रखो, क्योंकि मेरा प्रोपोर्शन ऐसा है बॉडी का कि मेरे पियर शेप बॉडी है, मेरे हिप्स चौड़े हैं, मेरे कंधे और चेस्ट नॉर्मल है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ढीला पहनती हूँ तो मैं बहुत चौड़ी लगती हूँ, ठीक है, मेरा हाथ पतला है, बिल्कुल बहुत पतला है, हाँ, सो मुझे हल्का सा ए लाइन अगर देते हैं तो मेरा बहुत अच्छा कट लगता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, ये मुझे वक्त के साथ साथ समझ आई। मगर तुम अच्छा, जैसे अभी तुमने पहना है ना, इसके अंदर शेप दिया है, ये कट अलग है, तुमने अपने जिस्म के लिहाज से शेप दे के हल्का ए लाइन, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, ये स्ट्रेट हल्का दामन में ए लाइन है, लेकिन ऊपर से अगर तुम और ढीला दोगी, जो मैं कह रही हूँ ना, आमोल थोड़ा अगर थोड़े से लंबे, ये कह रही है, मैं आपको इसका मतलब समझा दी, कह रही है कि जैसे आमोल, ये आप अमोल देख रहे हैं ना, ये फिटेड है, इसके बजाय थोड़ा सा ढीला सा आर्म होल हो, ये इसको कहते हैं आर्म होल, ये ढीला हो और चेस्ट से हल्का सा ढीला हो और वो सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा एक हो, सीधा हो। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, आप जो कह रही हैं कि ठीक है, अगर थोड़ा सा इंसान बल्क हो तो बल्की हो तो वो ये कट थोड़ा छुपा लेता है, लेकिन इसके साथ साथ इस कट में इंसान हैवियर भी लगता है। Yes, I look heavy. मैं भी हैवियर लगती हूँ, हालांकि मुझे एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर चेस्ट से और आर्महोल्स अपने बड़े रखवाती हूँ तो आई लुक हैवियर देन व्हेन आई वेयर अ फिटेड शर्ट विद अ स्मॉलर आर्म। अब यहाँ देखो तीन अलग अलग राय हैं, तो इसका मतलब कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन मटेरियल पे देखो, फिर आता है बात मटेरियल पे और कितना ढीले पे आता है सारी बात, देखो कितनी इसमें है ना कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं। आपका मटेरियल फॉल वाला होना चाहिए, पतला जॉर्जेट फैब्रिक, बिल्कुल पतला, मोटा फैब्रिक होगा अलग, प्लस पीछे जब ढीला होता है किसी को तो पीछे आप डार्ट्स दे सकते हैं, जब पीछे डार्ट्स देते हैं तो पीछे से फिट आता है फ्रंट स्ट्रेट, तो वो आपका मोटा वाला लुक नहीं आता। ये बहुत पहले जब मैं कभी ढीले पहनूँ ना, मैं कोई साइड से देखो तो फूला हुआ आ रहा है, तो फिर मास्टर ने कहा नहीं पीछे डार्ट, जब पीछे बैक, और कभी कभार आप बैक को थोड़ी छोटी काटें, जब छोटी कटती है फ्रंट स्ट्रेट है पीछे, तो भी आपकी बहुत अच्छी शेप। अच्छा आप ये कह रही है कि जो बैक है उसको छोटा भी कटता है, छोटा कटे यस आगे स्ट्रेट, ये मैंने हाँ ये मुझे समझ नहीं है, है मैंने बहुत देखो पहले ढीला बना लिया, ठीक है, अब डिपेंड करता है कितना ढीला, मेरे फिटिंग नाप से मैं 2 इंच ढीला रखूँ या मैं 1.5 इंच या मैं 3 इंच, ठीक है, अब इस स्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन ढीला पहन लिया लेकिन जब साइड से देखो ना तो फूला फूला लगता है। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, आम औरतों की, खास तौर पर औरतों की, वो मोटी होती हैं लेकिन मैंने देखा है वो लॉन के कपड़े फंसे हुए बनाएंगी, यहाँ से भी फंसे हुए, यहाँ से भी फंसे हुए बोटे नजर आए, सही बोल रही हूँ ना मैं, मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन है, नहीं, नहीं, सही कह रही, आम बाजार में भी देखती हूँ उनकी बॉडी नहीं होगी फिटिंग पहनने की तो वो इतने बल्जिस जितने भी उनके होंगे माशाल्लाह उस लॉन के जोड़े में वो दिखाई दे धड़ 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 नजर आ। देखिए ये तो एक बहुत एक समझने वाली बात है कि कभी भी कपड़े ऐसे नहीं लगने चाहिए कि आपने पहन कर सिलवाए हैं उन्हें, हमेशा एक ब्रीदिंग स्पेस आपके जोड़े के अंदर बहुत ज़रूरी है, ब्रीदिंग रूम होना ज़रूरी होता है, वरना वो अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि उससे पतले लगते हैं, चाहे हैवी हो इंसान या पतला इंसान हो, उन्हें लगता है कि अगर स्किन फिटिंग के पहन लिए मैं पतली लगूंगी, पतला नहीं लगता इंसान, उसमें आपके बल्जेस और ज़्यादा नज़र आते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, हम आपको चीज़ें दिखाएंगे भी बताएंगे भी, जो जो थोड़ा बहुत हमने किसी से सीखा है वो हम आगे स्प्रेड करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा मेरा गला खराब है, आई एम सो सॉरी, इसलिए कि मैं वो एनर्जी के साथ वेलकम नहीं कर पा रही ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। जब गला खराब कहते हैं ना तो कम बोलो वरना आवाज बिल्कुल बैठ जाती है। अच्छा मैं गले की तकलीफ जो है ना, वैसे तो हर बीमारी बहुत परेशान कर देती है लेकिन गले की तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगता है मुझे। मेरा तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद है जब पहले मेरा गला खराब होता था निदा, मैं बात ही नहीं कर सकती थी, आवाज खत्म। तो सोचो ऐसा हुआ है निदा की जो है थोड़ा टफ टाइम। आज तुम कम बोलो
इतना हमें शोशा दो और हम फिर उसको शोशा इतना सा हिंट शोशा दे दो। अच्छा भाई अब हम ये कर रहे हैं, तुम लोगों का काम आज ये है, मेरी आवाज़ ख़राब है जल्दी से बोल दूँ कि जो हमारे पास यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं 40s में भी हैं और 30s में भी हैं 20s में भी हैं, ठीक है। मैं उम्र के हिसाब से, मेरा तो मेरा दिमाग ही नहीं है ये, मैं तो सोचती हूँ कि उम्र के हिसाब से आप ड्रेसअप हो, अब फिजिक के हिसाब से ड्रेसअप। आई एग्री, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मैं वो नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर बेटे माओं को कह देते हैं मम्मी क्या हो गया उम्र तो देखें, तो वो मेरे बेटा तो मुझे कह के दिखा है फिर मैं उसको बताऊं। तुम बताओ, तुम ये सही कह रही हो, ये चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। एक ने बोला ना बस इतनी उम्र हो गई, अब तो आप बूढ़े हो गए, अब फैशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान किसी भी उम्र में फैशन कर सकता है, तरीके का फैशन किस तरह से आपने आपको लेके चलना है, ये नहीं कि आप बस अब आप हो गई हैं। बिकॉज मेरे दिमाग में ये थी बात, जब मैं नाइन्थ में थी ना, नाइन्थ क्लास में, तो किसी ने ऐसी कहा, आपस में बैठे हुए थे फुप्पियाँ, कि यार अब तो एज हो गया, अब लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकते। पता नहीं मुझे इतना शौक़ था तैयार होने का, मेकअप करने का, ना उस वक्त से मेरे दिमाग में था, मैं कहा क्या मतलब बूढ़े होंगे तो हम तैयार नहीं होंगे, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई थी। मैं कहा मैं तो कभी बूढ़ी होंगी नहीं, ये मेरे सब कॉन्शियस में आ गया, यू नो लाइक। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टीनेज लड़कियों को रेड लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, तो ये लगता है टीनेज लड़कियों को तो मेकअप की जरूरत नहीं होती, इतनी यंग एंड फ्रेश स्किन होती है, जरूरत ही नहीं होता, वो तो बस थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के भी निकल जाए सॉफ्टर। अब अगर हम टीनेज से ही शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब बेटा माइक करीब करो, तुम्हारी आवाज मेरी जैसी हो रही है। लॉन्ग नाम ना अदीना है। मुझे प्लाजो ये सब पहनना ना बहुत पसंद है। अब मैं किसी इवेंट्स पे भी जाती हूँ ना, अब मेरा वेट है तो सब ये कहते हैं भाई बहुत ओवर वेट लग रही हो तुम तो इस प्लाजो में, तुमने क्यों वेयर किया ये? हाँ आ रही है। ओके, तो ये बात होती है, मुझे आप ये गाइड करें कि मैं क्या पहना करूँ आखिर। खड़ी हो तुम थोड़ा, क्या एज है आपकी बेटा? मेरी 20। ओके, मुझे बताओ जो आपने प्लाजो पहने थे तो उसके साथ शर्ट किस तरह की पहनी? अभी भी प्लाजो पहना हुआ है, इसी नी लेंथ की। आई थिंक अगर तुम्हें प्लाजो का शौक है, आई वोंट से कि प्लाजो ना पहना करो, इनफैक्ट आई वुड प्रेफर कि तुम जो हो थोड़े से वाइड लेगेड ट्राउजर्स ही पहनो, क्योंकि अगेन अगर फिटेड ट्राउजर पहनोगी तो उसमें बॉडी और ज़्यादा ऑब्वियस होगी। इट्स बेटर कि तुम थोड़ा, और आजकल तो हमारा टाइम इतना अच्छा है कि ओवर साइज कपड़े बहुत फैशन में है, लूज एंड बैगी कपड़े बहुत फैशन में। मैं बैगी पहनती हूं, सब ये बोलते हैं और ओवर और हेल्दी। तो फिर तुम इस तरह से क्या करो कि जैसे अभी आपने किया हुआ है जी, फिटिंग वाइज मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर प्लाजो पहना हुआ है तो उसके साथ ट्राई करो कि थोड़ी लंबी शर्ट पहनो, नी से नीचे तक ले जाओ, उसमें आपको थोड़ा एक तो स्लिमिंग इफेक्ट मिलेगा, दूसरा से आपको टॉलर इफेक्ट भी देगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट शर्ट पहनते हो तो आपकी बॉडी जिस तरह से आप आंखें दूसरों की आंखें आपको परसीव करती हैं, शॉर्ट शर्ट से इंसान शॉर्ट लगता है, लॉन्ग शर्ट से एक इमेज जो आता है वो लंबा आता है। तो अगर आपने प्लाजो पहनना है ज़रूर पहनो, उसके साथ ऊपर जो शर्ट है वो लंबी पहनो, ट्राई करो स्लिट्स लंबे रखो उसके, बहुत ज़्यादा ऊँचे मत लेके जाओ लेकिन खुले स्लिट्स रखो, और शर्ट को फिटेड रखो ताकि आपका एक बॉडी शेप भी आ जाए। फिटेड का मतलब ये नहीं है कि लगे पहनकर आपने सी लिए, लेकिन फिटेड रखो। अब जैसे कि इसमें मैं भी इसको ऐड करूंगी सी ड्रेस को। मेरे पास इस वक्त कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, जैसे ये कट है ब्लैक शर्ट का, इसको तुम थोड़ा सा और लंबा कर लो, ये तो शॉर्ट है ना, ये तो नी लेंथ है जी, जी, जी। इसको आप और नीचे लेके चले जाओ, इसके आप स्लिट्स और लंबे कर लो, सही। ऊपर से ज़्यादा उसमें कोई वैरायटी मत रखो। आई वुड सजेस्ट कि काम भी अपना ना गले पे मत कराया करो, क्योंकि जब आप गले पे काम कराओगे तो फोकस सारा अपर बॉडी पे आ जाएगा, आपको अपना वो डाइवर्ट करनी है टेंशन, तो आप गले पे नहीं हैवी कुछ करोगे, शोल्डर्स पे कुछ कभी काम नहीं करवाओगे, अगर काम कराना है तो नीचे करवाओगे और दामन पे करवाओगे, तो ऑटोमेटिकली नज़र नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर नहीं फंसेगी। लंबी कमीज को रखो और प्लाजोज फिर आराम से पहनो। इनफैक्ट आई वुड से कि प्लाजोज आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और सूट करेंगे। कलर्स में एज फार एज द कलर्स आर कंसर्न, देखो आप जब लाइट कलर्स पहनते हो ना तो यू टेन टू लुक बिगर, अगर स्लिमर इफेक्ट देना है तो डार्कर कलर्स पे जाओ, ब्लैक इज योर बेस्ट फ्रेंड।
ब्लैक पसंद है बहुत, नेवी ब्लू, ब्लैक नेवी ब्लू, ग्रीन, डार्क मरून, सारे डार्क कलर्स पे अगर आप रहोगे। और देखो रात के वक्त डार्क कलर्स पहनने में कोई मसला भी नहीं होता। आई एग्री के समर्स में लोग कहते हैं कि लाइट्स और पैस्टल्स पहने जाओ। अभी लॉन कैसे पहने? देखो लॉन शर्मीन ने बताया ना, इसी को मैं थोड़ा सा बिल्कुल सही बताया, लॉन्ग लेंथ। अब जो तुम प्लाजो पहन रही हो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? साइड में भी चाक है ना, यहाँ इलास्टिक दोगी तो यहाँ से प्लाजो का घेर बाहर आता है। याद रखो ये तुम्हारा यहाँ फिट होने चाहिए। दर्जी से कहो मुझे आगे चुन्नटें नहीं चाहिए, चुन्नट दोगी सिर्फ पीछे इतने एरिया में दोगी। याद रखो सबके लिए सही है, क्योंकि जब यहाँ चुन्नट आती है तो वो घेर 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 आप मोटे लगते हैं। प्लस आपका प्लाजो अभी भी है ना, ये अंदर से जो है ना, ख्याल रखो उठ रहा है। हाँ, ये होता तभी है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि जब दर्जी सीता है, देखो खुद भी नापो, वो अंदर से छोटा काटते हैं, रुमाली थोड़ी सी लंबी हो और खुद से नापो, कहते नहीं गलत आप सही करो, फिर वो सिलाई सही करेगा। अक्सर लोग पहन लेते हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ। इनसीम शॉर्ट काटते हैं टेलर्स? यस, इनसीम शॉर्ट काट देते हैं ज्यादातर। जैसे देखो एक होता है, आप देखो अक्सर चढ़े हुए होते ट्राउजर, हर दर्जी को काटना नहीं आता। बेसिकली इसका जैसे ये है ना, थोड़ा दिखाओ ये। अब देखो ये जो है ना, ये देखो उठ रहा है, ये देखो। मैं अब जब निदा के प्रोग्राम के हवाले से बता ही रहे तो फिर हम जरा प्रॉपर बता दें। ये अक्सर करता है, मैंने लोगों के देखा है। सही कह रही है। और मेरा भी दर्जी से ही होता है। मैं पहले खबरदार अगर उठा हुआ भी हो, इवन पैंट्स भी हो, स्ट्रेट पैंट, क्योंकि इसको बराबर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं वो उठता क्यों है। वो उठता इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटा काटते हैं, वो उठता इसलिए है कि जब हम पहनते हैं ट्राउजर को तो जो स्टमक का शेप होता है और पीछे जो आपकी बॉडी का शेप होता है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अंदर से ट्राउजर उठ जाता है। नहीं नहीं, लेकिन शर्मीन कट पे होता है। आप जब प्रॉपर ट्राउजर कट होता है ना, जब ये अगर नापेंगे तो इस्त्री करते हैं हम, अंदर की साइड को लेके इस्त्री करते हैं, तो तुम खुद भी देखोगी ना कभी इसका गब है तो ये अंदर वाली साइड ऊंची होगी, एक जैसी नहीं होगी। ये मैंने एक्सपीरियंस सीखी इसलिए मुझे पता नहीं था। हम लोग ये समझते थे फिनिकी हूं कि अगर आप हैवी हो ना पेट से और हिप से तो उसको पहनने की वजह से वो ऊपर चढ़ता है। नहीं, ये तो ये तुम खास खुद भी देखना अंदर जो तय करते हैं स्त्री के लिए। कौके देखो अंदर का तो ऊंचा है, कौके नहीं इसको लंबा करो तो तुरपाई खोलेगा, उसको लंबा करेगा, ठीक है? यहाँ पे तुम फिट दोगी। अब ये जो मैं कहती हूँ लूज स्टाइल, ये कर सकती है। यहाँ पे गले थोड़े से आपके हाई नेक्स नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा बल्कि उसके अंदर खुले, जैसे शर्मीन ने भी बोला। यहाँ पे आर्म होल मैं इसका फिटिंग है ना, यहाँ से अगर ये पौन पौन इंच डेढ़ इंच लूज कर देगी जरा सा, जैसे इस बच्ची ने फिटिंग पहनी हुई है, शेप है यहाँ पे जो मैं कह रही थी नहीं दो शेप। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ढीला, यहाँ से आके स्ट्रेट आएगा। आमोल आप कह रही हो, आमोल एक इंच बड़ा कर, आमोल नहीं चेस्ट, यस आमोल एंड चेस्ट, ये यू नहीं आए, लूज होगा। जब लूज होगा कमर में अगर इसको चाहिए तो आप हल्का सा शेप दें, लेकिन ढीले में हो, ढीले में ही हल्का शेप हो। एंड लॉन्ग चाक स्टाइल कर सकती है, देखो ना चाक इसने पहने हुए, ये कमीज नुमा शेप आ रहा है, ठीक है? कमीज ये आमूल छोटा है। अब तुम इसको अगर स्क्वायर दोगे ना, ये थोड़ा इस तरफ करो अंबर, ताकि वहाँ ये गोल है। अब तुम जब ये आर्म होल, अमूमन हमारा 8.5 इंच होता है, 9.5 इंच ये इतना आएगा, ठीक है? ठीक है, गोल में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, आपके स्टाइलिंग के हवाले से। ये तुमने बहुत अच्छी टिप दी है। और ये जो है ना, ये लूज होगा, ये आपको जब लूज होगा और यहाँ पे हल्का सा कट चाहिए तो दो, ऐसा ढीला नहीं होगा, स्ट्रेट कट, क्या तुम स्मार्ट लगोगे। आप इस आमोल की बात कर रही हैं, क्लासी लगेगा, क्लास स्क्वायर। यस, देखो ना ये आमोल, ये स्क्वायर कट सही, स्क्वायर गोल में भी, क्योंकि अमूमन क्या होता है, मैं दर्जी से ना पहले देखो मुझे ढीला दो, अब जब फिटिंग के आमोल होती है ना तो यहाँ से ढीला अजीब उसके ऊपर यूं करके बल आ जाते हैं, अनस्मार्ट लुक आती है, वो स्मार्टनेस नहीं आती। कपड़े की कट बहुत जरूरी, जो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सही होता है। सही। तो आम होल इतना हो गया, ऑटोमेटिकली ये देखो सीधा है, ये हल्का सा शेप अगर देना है, ढीले में शेप, फिटिंग नहीं आना चाहिए, ढीले में शेप, ढीले में हल्का सा शेप दे दो। और जो मैं कह रही थी पीछे, मेरे दर्जी ने बोला था बहुत पहले कि मैं जब कहूँ ना ये कि पीछे से मैं मोटी लग रही हूँ और मुझे ये नहीं, तो उसने कहा पीछे मेरी वो छोटी काटता था, फिटिंग आती थी बैक,
माई बैक फिटिंग होती थी, फ्रंट ढीला ही होता था, तो क्या है फिर आप इतने ढीले ढीले भी नहीं लगते। अच्छा, लेकिन एक उसके साथ टिप बहुत जरूरी है, जो आप छोटी बैग की बात कर रही है ना, आपके लिए हो सकता है वर्क करता हो क्योंकि आपका टॉप हैवी है। जो बॉटम हैवी लोग होते हैं वो अगर पीछे से बैग को छोटी काटेंगे तो उनकी बैग बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगी, बहुत ज्यादा निकल आएगी, बहुत ज्यादा डिस्प्ले पे आ जाएगी, पता है मतलब तो जैसे जिसकी बैक हैवी है तो वो बहुत ज्यादा अजीब बत्तख है। मैं इसको क्लियर करूँ, हम फिटिंग की बात ही नहीं कर रहे, मैं बैग भी फिटिंग नहीं कर रही, शेप की बात कर रही हूँ ना, नहीं मैं फिटिंग भी नहीं, मैं फ्रंट, अगर फ्रंट ढीला, मैं ढीले की स्टाइल बात, मैं फिटिंग तो अभी बात नहीं कर रही। अगर आगे फिटिंग नहीं कर रहे, अगर ढीला छोड़ रहे तो पीछे से फिटिंग, 5 इंच ढीला है, ढीला शेप, 5 इंच आगे ढीले में, हाँ तो पीछे आप उसको आधा इंच कम कर लो, ये मैं बात कर रही हूँ। आधा इंच से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 इंच का फर्क रखेंगी तो होगा ये, आगे से तो स्टाइल खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ ढीले की, एक स्टाइल बताया, स्टाइल वो कि ये भी है। और दूसरा, जैसे ये इसने प्रिंटेड पहना हुआ है, इतना प्रिंट है, अब दुपट्टा प्रिंट, कमीज प्रिंट, सलवार प्रिंट्स नीड टू गो, नहीं अच्छा लगता, प्रिंट्स नीड टू गो। जो जो थोड़े से बल्की लोग हैं उनके लिए प्रिंट्स तुम कहती हो कि नो, नहीं छोटा प्रिंट हो भी तो छोटा, लेकिन प्रेफर ये करो कि आपका जो शर्ट और ट्राउजर है ना वो सॉलिड कलर में, और प्रिंट डालना है दुपट्टे में डाल दो, लेकिन जो आपका ड्रेस है। अच्छा, एक और टिप जो कि बहुत अच्छी है, जो कि मैं बात कर रही थी कि आपने अपनी शर्ट लंबी रखनी है ताकि आपको लॉन्गर और स्लिमर इफेक्ट, स्लिमर इफेक्ट के लिए एक जो ट्रिक बहुत वर्क करती है वो ये कि दामन भी छोटा होना चाहिए। जब दामन छोटा होता है ये ऑटोमेटिकली लुक थिनर, लेकिन अब उसमें मसला क्या होता है कि अगर हिप है, अगर हिप चौड़ा है तो वो हिप के हिसाब से वो दामन देते हैं तो वो दामन बड़ा लगता है। उसके लिए एक आता है कट चाक, आप लोगों ने पहना होगा, वो जो स्क्वायर होता है साइड से, वो आपका जैसे देखो साइड पे ये चाक है ना, ये तो आपकी ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट बनी हुई है, कट चाक होता है, यू स्क्वायर कट अबाउट स्क्वायर होता है, तो उसमें आपका यहाँ से थोड़ा सा खुल जाता है और दामन आपका ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। क्या जो आपके हिप्स बाहर निकल आते हैं? नहीं, कट चाक आप इधर हिप बोन पे नहीं दोगे, आप थोड़ा सा नीचे दोगे तो हिप नहीं बाहर निकलेगा। नहीं, आप बिल्कुल भी इसको हिप को बाहर, अगर आप यहाँ से बहुत ऊंचा दे दोगे ना तो ऑब्वियसली वो तो हिप निकल आएगा, वो तो चाहे तो फिट नहीं बनाओ, फिटिंग नहीं पहनना, आप कह रहे हैं फिटिंग नहीं पहनना, आपने ऐसा कपड़ा पहनना है जिसमें आपको भी लगे कि हाँ हवा आ रही है, सांस आ रहा है, और दूसरे को भी देख के ये ना लगे कि आपने बिल्कुल ही फिटेड चढ़ा लिया है, पहनकर सी लिया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली मैं आपको आप लोगों को यही समझा रही थी कि जो लॉन का अब जाहिर है जमाना आ रहा है, तो औरतें जो बिल्कुल अपने ऊपर रख के कपड़े सिलवाती हैं उसके उनके जितने भी बल्जेस बॉडी में होते हैं, और लॉन लाइटर कपड़ा है बिल्कुल वो प्रोमिनेंट होते हैं एंड इट लुक्स बैड, बहुत बुरा लगता है, बाजार बिल्कुल हर जगह लॉन के कपड़े पहन के जाती हैं, जो कि और अक्सर खवातीन शमीज भी नहीं अफोर्ड मतलब पहन सकती हैं, उनको गर्मी होती है। सो अगर जैसे कि अंबर ने इतना अच्छा आइडिया दिया, अगर उस तरह के लॉन के कपड़े भी अगर हम उस तरह के बनाए तो वो डिसेंट और क्लासी लगे, बिल्कुल, और आपके जो बल्जेस हैं वो नजर नहीं आएंगे, और क्योंकि वल्गर लगता है, बुरा प्रक्सी में बैठ नहीं अच्छा लगता। आप दुकान वाले पे जा रही हैं, बार बार दुपट्टे सही कर रही होती है, अगर कपड़े ही ऐसे डिसेंट सिले हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, बेयर ही ना करनी पड़े। मैं तो फिगर हगिंग वाले बिल्कुल स्किन टाइट कपड़ों में मुझे तो समझ ही नहीं आती, वेस्टर्न कुछ कपड़े होते चाहिए बिल्कुल सही, कोई दूसरा माइक करीब कर ले, कोई दूसरा सही कर रहा है आपका ड्रेस ना, करना पड़ता है जी। हाँ मतलब थोड़ा सा देखिए, बहुत सी औरतें खवातीन घर में शलवार कमीज दुपट्टा भी पहनती हैं, ठीक है, अब बात मकसद ये है कि वही शलवार भी सही हो, जो एक मैंने बेल्ट वाली, जब यहाँ चुन्नट चुन्नट होती है आप मोटे लगते हैं, ठीक है, प्लस कमीज भी अगर सिलवाने तो बहुत टाइट नहीं, क्योंकि लॉन है वैसे भी खुलती है, वो शेप बिगड़ती है, लॉन हमेशा पहनने में खुलेगी, थोड़ा सा लूजिंग देगी तो उसका शेप भी खराब नहीं होगा, तो थोड़ा सा जिस्म से दर्जी आप फिटिंग नहीं, थोड़ा सा लूजिंग के साथ अगर कमीज सिलवानी, आपके बॉडी फिगर को फैब्रिक आपने, लेकिन दुबली पतली लड़की है, स्लिम है, तो वो तो हर चीज कैरी कर सकती है, वो स्टाइलिंग में आ जाता है। अच्छा, जैसे अब हम लोग हैं, हम जॉर्जेट के अगर पहनेंगे बहुत हम अच्छा लगते हैं, नहीं अगर हम कॉटन वेयर करेंगे तो नो, शी इज राइट, शी इज राइट, क्या कह रही जॉर्जेट में, अगर थोड़ा सा इंसान हैवी होता है तो वो जॉर्जेट्स में स्लिमर लगता है, कॉटन में फूला वाला लगता है। अच्छा एक बात लेकिन मुझे बताओ, जो मैंने देखा है, थोड़ी सी खड़ी होंगी आप, सॉरी, अब जैसे ये है ना,
ठीक है, इन्होंने देखो सही कुर्ता पहना है, सही पहना, अब इनका पेट वेट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं नजर, बहुत अच्छा पहना है। अब जैसे बैठेंगी ये बैठे तो अभी भी सही, बिल्कुल है, सही है। हाँ, अगर बहुत फिटिंग होती तो वो टायर्स नजर आ जाते हैं, बहुत अच्छा पहना है, यू नो। और फिर इंसान खुद भी पहन के बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि इतना टाइट फिटेड अगर आप फंसे हुए कपड़ों में तो वो अच्छा नहीं लगता। और आप खुद बहुत देखिए, हर चीज फैशन सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब आप उस फैशन में कंफर्टेबल लग रहे हो। अगर आप अनकंफर्टेबल लग रहे हो ना तो आप कुछ भी पहने में आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप खुद नहीं फील कर रहे होते अच्छा। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वेयरिंग। अच्छा, एक इंसान तभी और दुबला लगता है अगर आस्तीन बहुत खुली होती है ना, तो थोड़ा सा वो हैवी, जरा सा कभी आप इसे यहाँ आर्म होल बड़ा भी है कम भी है, एक तो जब फिटिंग आस्तीन होते हैं हम दुबले लगते हैं, हाथ दुबले लगते हैं ऑटोमेटिकली, या पे थोड़ी सी इतनी, अब स्टाइल पे डिपेंड करता है, लूज भी हो तो इतनी लूज हो जाए या फिर इतनी, बहुत ज़्यादा लूज नहीं अच्छी लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके इस पर हम बात करते हैं। बहुत अच्छी टिप्स आपको आज के शो से मिल रही हैं। थोड़े दिन देर बाद हम ये भी बताएंगे कहाँ क्या पहनना सूटेबल है। अभी हम बॉडी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बात करें हम जी किस बॉडी टाइप पे क्या चीज़ सूट करनी चाहिए, क्या टिप्स हैं जो आप स्मार्ट लग सकते हैं चाहे आपका वेट कितना भी हो, और कौन से कपड़ों को किस इवेंट पे बेसिकली पहनना चाहिए, ये हमें थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हर जगह बहुत ही भरे हुए कपड़े पहन के नहीं जा सकते। सो तुम आप लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या बात कर रहे थे? हमने अभी इनका डिस्कस किया था कि आपने प्रिंट्स नहीं पहनने, सॉलिड कलर्स पे रहना है, लंबी शर्ट्स पहननी है प्लाजोस के साथ, दे विल लुक वेरी नाइस। और जैसे कि आपने कहा कि छोटे गले नहीं पहनने, हाई नेक्स नहीं, डीप में ना हो लेकिन बिल्कुल यहाँ से गर्दन से लगे हुए ना हो, क्योंकि उससे थोड़ी बॉक्सी लुक आती है। तो हाई नेक्स ना हो, छोटे नेक्स ना हो, थोड़ा सा लगे, थोड़ी सी स्किन नज़र आनी चाहिए। और स्लीव्स जो हैं आपकी वो आगे से अच्छी शेप्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा ढीला रखोगे यहाँ से भी तो आप बड़े लगोगे, बिगर लगोगे। तो थोड़ा सा ना आपने आपके जो बॉडी के जो स्लिमर पार्ट्स हैं ना उनको एक्सेंचुएट करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल फिगर हगिंग कर लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जैसे वेस्ट छोटी होती है, तो आप उसको वेस्ट को थोड़ा सा एक्सेंचुएट करो अपने शर्ट के उसमें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट पहनोगे तो किसी को पता नहीं चल रहा कि आपका क्या शेप है। हल्की शेप दे सकते हैं, शेप डीए में भी शेप आ सकती है, बिल्कुल। अच्छा, खास प्रिंट्स ही पहनो तो पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल छोड़ दो जिंदगी से प्रिंट्स, छोटे प्रिंट्स पहनो और पूरा थ्री पीस एक जैसा नहीं करो। अगर दुपट्टा और वो छोटे पोल्का डॉट्स अच्छे लगे, आज फूल हैं तो वो वाली, तो और नीचे प्लेन प्लाजो रखो, मतलब तीनों बड़े बड़े प्रिंट्स ना पहनो ऐसे। आजकल चल रहे हैं प्रिंट्स के, जैसे कि कोर्ड्स हैं कि एक ही प्रिंट का शर्ट भी और ट्राउजर भी बहुत फैशन में है, लेकिन फिर उस पर भी या तो दुपट्टा नहीं होता, फिर देन अगेन अगर आप प्रिंट वो सूट नहीं करेगा, नहीं करेगा, मुझ पर भी सूट नहीं करता। हाँ, वो बहुत रेयर लोग हैं जो कि उसे कैरी ऑफ कर लेते हैं। हाँ, जो कैरी ऑफ कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है उसको कैरी करना, बिल्कुल यू राइट एब्सोल्युटली। और आई डोंट नो, मुझे किसी के ऊपर अच्छा भी नहीं लगता, मुझे लगता नाइट सूट है। हाँ, आप आज कल चले गए, उसको क्या कह रही हो तुम, कोर्ड्स, कोर्ड्स कहते हैं, कोर्ड्स में आती एक नाइट कट वाली लुक। हाँ, और वो जो ट्राउजर होता है जिसके ऊपर कमेंट्स आते हैं नीचे लिखे हुए, क्या नाइट सूट पहन के आ गई है वो भी अगर डिपेंड, देखो मैं लाई हूँ एक ऐसा, सही है तुम। अच्छा, मेरे साथ ना मुझे दूसरों पे तो एक दो दफा अच्छा लग भी गया, मैं खुद मैंने आज तक नहीं पहना, मैंने जैसे ये है ये चले हुए ना आजकल, आजकल नहीं, लेकिन इसका ट्राउजर तो प्लेन है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेम प्रिंट ऊपर नीचे, बट व्हाटएवर, देखो अब ये आई डोंट लाइक दिस, नहीं भी चल रहा है ये, अब ये बना हुआ है ना जैसे, ये तो अच्छा है, ये हल्का सा बेल है यहां से, I like the trouser cut. अब depend करता है कि ये थोड़ी लंबा, ये cut है. This is bell. Not what she's saying. नहीं नहीं नहीं, this is वो वाला भी है मेरे पास. किसी और मतलब वो कोई और चीज़ है. नहीं, co-ords का मतलब है basically कि same, ऊपर नीचे same. ठीक है, now the shape can be any shape. ये इस ट्राउजर का भी पहन सकते हैं, लेकिन ये कोऑर्ड्स नहीं है, नहीं ये नहीं, क्योंकि ये अगर आपका शर्ट की वाली एम्ब्रॉयडरी का ही ट्राउजर होता तो कोऑर्ड्स होते हैं। ये आपने इसको एक बहुत अच्छा सेट बनाया हुआ है और ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये देखो ये वाला स्टाइल जो तुम कह रही हो ना, अब इसको प्लेन सेम कलर, सेम कलर के साथ है,
ये मेरा मतलब दिया था मुझे, ये देखो ये दिस इज कॉर्ड्स, अम्मा कैरी कर लेगी भाई, हमसे तो नहीं होता, लेकिन हम देखो, तो देखो, 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 लगेंगे इसमें। ये देखो आगे ये ठीक है ना, ये शॉर्ट है हाँ, लेकिन ऊंचा उठंगा नहीं है, मतलब ये मैं इतना पहनूंगी, लंबा लगता है स्लीव वो नहीं, कमीज की बात नहीं, जानू कि कमीज स्टाइल बता रही हूँ, नाइट सूट वाली शर्ट का फर्क है ना, जब आप इसको ऊंची कमीज में लंबा पहनेंगे तो वो जरा डिफरेंट लुक आती है, जब थोड़ा सा इतना ऊंचा कर लेंगे ना क्यूलॉट स्टाइल, और ये हमारे पर डिफरेंट लुक नहीं आती, हमारे पर नाइट सूट वाली लुक ही आती है, ये देखो ये चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, कमीज छोटी है, लगता तो है नाइट सूट, और शुरू में तो मुझे बिल्कुल ही नाइट सूट लगा, और साइड में देखो ना आपने ये ले लिया स्टोल ले लिया थोड़ा सा, अंबर तो सब कुछ पहन सकती है, अंबर हम सब नहीं पहन सकते, नहीं नहीं करने को स्टाइल, शीज कन्विंस्ड के सब पहन सकते हैं, मैं बता रही नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, मैं ये नहीं कह रही, अच्छा अब ये तो हो गई, इसके ऊपर तो होगी डिस्कशन, एक चौड़ी सलवार भी चल रही जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई हैव इट, वेट वेट वेट, आई विल शो इट, वो चौड़ी सलवार जो है हाँ. उसका बताओ कौन कौन पहन सकता है, जैसे ये कॉर्ड पटियाला सलवार है, पटियाला नहीं, इट्स अ बिग पंचा सलवार घेर वाली, जो कि मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लग रही है, हालांकि मुझे घेर जमाने में बाबरा शरीफ वगैरह वाली फिल्म में देखते थे हमें नहीं अच्छी, ये सलवार है अब अच्छी लग रही है क्योंकि घेर वाली है ना, अच्छी घेर वाली, ना ना दिस इज नॉट घेर, इट्स बड़े पांचे वाली, बड़ा पांचा, और इसमें पांचे पे सिलाई नहीं हुई थी, चौड़ा पांचा, इसको घेर नहीं कहते यार, नहीं नहीं बड़ा पांचा, साथ में यहाँ पर भी घेर होता है, मोरी कहते हैं, मोरी, नहीं 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 यार, जब घेर वाली सलवार होती है ना, यहाँ से भी एक कली आती है, घेर वाली सलवार जो टिपिकल जो शलवारें हमारी होती है, ये लेकिन तो ये तो बड़े पैंचे वाली है, उसमें तुम पैंचा बड़ा करोगी या छोटा करोगी, ये यू भी हो सकता है, असल जो तुम कह रही हो ना चौड़ापन है, बड़ा पैंचा है, ऑटोमेटिकली अच्छी लग रही शलवार, लेकिन किसी को और घेर चाहिए, मुझे याद है क्योंकि मम्मी हमेशा कह रही घेर और चाहिए, तो दर्जी ये एक कट अच्छा, है ना, कट लगा दो, आप यहाँ से टिपिकल जो देख रहे होंगे जो शलवारें होती हैं असल शलवारें वो ही होती हैं, ये अब स्टाइलिश होने लगी, हाँ, इसको कम right. कर दो तो पैंट स्टाइल हो जाएगा, असल शलवार हमारी देसी शलवार में घेर होता है और बड़े पैचे बाबरा शरीफ वाला जो तुम कह रही हो उसके अंदर घेर एंड बड़ा पैचा, वो मुझे अच्छी लगती है, आई डोंट नो, लेकिन लेकिन जो घेर वाली जो शलवार होती है ना, अगेन उसमें आप बॉटम हैवी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेयरिंग जब आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लोअर बॉडी जो है वो बिगर लगती है, अच्छा, बिगर के लिए जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ी कमीज जो है ना उसकी बहुत छोटी नहीं रखती, हाँ, लोगों की कमीजें बहुत याद exactly. अच्छा वैसे एक बात बताऊं निदा, इस तरह की जो शलवार होती है ना जो ये है, इसके साथ लंबी शर्ट नहीं है, बहुत लंबी नहीं, लाइक 35 मतलब नी लेंथ, नी तक बस बस, हाँ बहुत लंबी नहीं, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट नहीं, नी या नी से थोड़ा सा मैंने जो जैसे मैंने इसके साथ अनकंफर्टेबल लोग हैं, मैंने इसके साथ नी लेंथ ही बनाई, यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने टेलीविजन पे ये पहननी थी तो मुझे लगा कि शॉर्ट शर्ट, लेकिन वो मजा नहीं आया, नी लेंथ तुमने ज्यादा लंबी कर दी है, नहीं मेरे मैं घुटनों तक वो वाले कपड़े जो मैंने पहले बनाए थे, तो मैंने एक काले रंग की कमीज बनाई थी उसके साथ शॉकिंग पिंक सलवार थी इसी तरह, तो वही था वो छोटी, वो लोगों ने देखी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस सलवार में विद नी लेंथ शर्ट आपको लगता है कि थोड़ा सा इंसान चौड़ा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी चौड़ी लगी, मटेरियल अगेन मटेरियल, मेरा मटेरियल प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम था, 80 ग्राम तो और फूलता है, 80 ग्राम तो बहुत सख्त होता है, उसकी स्टिचिंग ऐसी थी वो वो गिर रहा, क्योंकि 80 ग्राम जो है ना थोड़ा सख्त होता है, अच्छा, आप जो 80 ग्राम था वो फिटिंग का नहीं बना हुआ था, शोल्डर फिटिंग के थे और वो हल्का सा हाँ करके, जैसे ये बता रही है, आर्म होल भी उसका उसी तरह था जैसे अंबर ने बताया, तो वो एक बड़ी स्लीक लुक दे रहा था मुझे, फॉल वाले कपड़ा हो तो अच्छा लगे, उसने मुझे लुक सिल्क, हाँ आपको सिल्क तो अच्छा लगता है, लेकिन ये भी स्टाइल आया हुआ आजकल का स्टाइल है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं कॉर्ड्स मैं नहीं बर्दाश्त कॉर्ड्स, वो मुझे लगता है जी जी, मैं लॉन के कपड़े पहनना चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉन के ड्रेसेस मुझ पे सूट नहीं करते, प्योर, अच्छा देखो आपको क्यों लगता है कि सूट नहीं का पहले सवाल ये होगा कि क्यों लगता है, ऐसे लगता है कि मैंने बहुत से देखा है ओकेजनली जो लोग होते हैं वो लॉन के ड्रेसेस पहन के चले जाते हैं, ठीक है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लॉन के ड्रेसेस पहनती तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं कोई कॉटन है या जॉर्जेट है या शिफॉन है इस टाइप के ही वेयर करती हूं कपड़े। पहली बात तो ये कि जब लॉन का आप जोड़ा पहने मेक श्योर कि दुपट्टा लॉन का ना हो,
सबसे ज्यादा अनस्मार्ट लुक जब आती है जब आप लॉन का दुपट्टा लॉन के सूट पहने और वो कचूमर हो जाता है, वो इतना अनटाइडी लगता है, इतना अनस्मार्ट लगता है कि बस. तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लॉन का कोई प्रिंटेड जोड़ा भी पहनी हुई है तो आप ऐसा लॉन का जोड़ा लें जिसके साथ या तो शिफॉन का दुपट्टा हो या सिल्क का दुपट्टा हो, तो इंस्टेंटली एक स्मार्ट लुक आ जाती है. अच्छा, और साथ साथ ये भी है, डिपेंड करता है लॉन. एक लॉन होती है बिल्कुल जो कि फुटपाथ पे मिलती है ना, वो क्रश हो जाती है. एक आजकल जो अच्छे डिजाइनर्स की लॉन आती है उसमें एक फॉल्स सा भी है प्योर के साथ, स्त्री भी खराब, ठीक है, स्त्री इतनी खराब नहीं होती है. फिर उसी लॉन के जोड़े में अगर आप डिपेंड करते प्रिंट अच्छा है, शिफॉन्स के दुपट्टे जैसे कि इसने बोला शर्मीन ने कि आपने दुपट्टा लॉन के, लॉन जितने डिजाइनर्स के देखो लॉन के कम है ज्यादातर वो आपको ड्रेसी लुक. अब आप उसको भी स्टाइल में सिलवाएं. देखिए इट्स अबाउट स्टाइलिंग एंड स्टिचिंग. अब आपको स्टाइल में लेस के साथ कहीं पे कुछ थोड़ा सा स्टाइल लॉन्ग बनाए. आजकल फैशन जो है ना लॉन्ग है ज़्यादातर, ये लॉन्ग और ये. अब नीचे अगर आप पजामा बना रही हैं, क्यूलॉट बना रही हैं या स्ट्रेट पैंट बना रही हैं, बाज़ अवकात जब बहुत लंबी आ जाती है ना फोल्ड, वो स्मार्ट नहीं लगती, वो नहीं शो बिगड़ जाती है. थोड़ा सा, हर कोई ऊँचा नहीं पहनता, इतना कम अज़ कम इतना तो हो. क्या क्या साथ में. अब आप स्ट्रेट पजामा पहन रही जो ये पहनी हुई है, ये भी तो स्ट्रेट ही है. हाँ, अब ये पहने खड़ी हो, ठीक है ना. अब आपने ये पहने ना, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा और ऊंचा कर, थोड़ा ऊंचा कर. अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आप चेंज कर. लॉन्ग का जोड़ा है तो मैं वही कह रही हूँ शेप हटा दें, जो मैंने आपको कट बताया ना वो हल्का सा स्ट्रेट दें, लेस लगा लें अच्छी से, लेस रिबन के साथ, गला अच्छा, दुपट्टा तो ऑटोमेटिकली आप पहन सकती हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पहन सकती. स्टाइलिंग को चेंज करें. हम लोग जाते हैं दर्जी के पास, बस ये सीधे ना जोड़ा है, मैं देखती हूँ खवातीन को, मैं कहती हूँ मास्टर आप लोग बस खिंचाई, मैं कहा आपको कैसी कस्टमर्स आती हैं, आप लोग देखते नहीं है. कह रहे बाजी आप जैसे तो कम ही होते हैं जो दिमाग खा जाए. तो मैंने कहा हाँ, तो नहीं पता. एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हम आजकल लॉन के जोड़े खरीदते हैं ना, ठीक है, उसके साथ डिजाइनर ने एक पतली सी मॉडल को वो कपड़े पहनाए हुए होते हैं, उसको स्टाइलिंग की होती है बेले मेले. देखिए हर कोई अलग है. वो जो पतली सी मॉडल है अगर उस पर आयजा खान है और उसके ऊपर जिस तरह के उसके कपड़े बना के डिजाइनर ने पहनाए हुए, जरूरी नहीं है कि वो सूट के वैसे ही हम बना के पहने. एग्जैक्टली, तो प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि हर कट हर डिजाइन आपके लिए नहीं बना. इनफैक्ट मैं अपने लिए भी कहूंगी कि बहुत पतली लड़कियों की अगर ऊपर जो डिजाइनिंग हुई होगी वो मेरे ऊपर भी सूट नहीं करेगी. मैं अपनी बॉडी टाइप को देखूंगी, मेरा मैं स्मॉल टू मीडियम में आती हूँ, मैं बिल्कुल पिटीट या पतली कमर वाली लड़की नहीं हूँ, लड़की. सो वो वाली चीजें एक तो औरतें गलती करती हैं. लेस प्रिंट, आई थिंक बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं अच्छा लगता. अच्छा, लोगों को जो है ना प्रिंट होता है, सादे कपड़े नहीं पहन सकते बड़े बड़े भाई. अगर वो सादे कपड़े नहीं पहन सकते तुम बेले लगा लो, और अगर वो सादे कपड़े नहीं पहन सकते और अगर वो मोटे हैं तो बेले कहाँ लगाएं, ये बताओ. देखो जैसे ये है ना, बेले लगाने का की जगह कहाँ होनी चाहिए. मैं तुम्हें बताऊं, दामन एंड स्लीव्स. देखो जैसे ये है ना प्लेन, ये मेरा अपना पुराना सिल्क का जोड़ा, ठीक है ना. जो मेरा सवाल है पहले उसका जवाब दो फिर ये. क्या मैंने कहा कि अगर लोग प्लेन कपड़े नहीं पहन सकते, बेले लगानी है तो बेले किधर लगाएं? दामन स्लीव्स के बॉर्डर पे, इवन चाक. मैं अगर दामन पे, दामन तो सही है, अगर मैं चाको पे बेले लगाती हूँ आपकी वेट चौड़ी लगती है. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी देखें आप जो चीज जो एरिया आप एम्फसाइज करेंगी ना नजर उधर ही जाएगी. तो अगर आप अपनी साइड्स को एम्फसाइज करेंगी तो नेचुरली आप चौड़ी लगेंगी. आपने नीचे के नीचे दामन में लगाना है ताकि आपका लॉन्गर इफेक्ट आए. आप ये भी कर सकती हैं कि एक अगर पतली बेल है, डेलिकेट सी बेल है, तो आप उसको शोल्डर से लेके लेंथ वाइज नीचे तक लेके जाएं. जो प्रिंसेस वाला कहते हैं, प्रिंसेस कट, वो कट प्रिंसेस कट कहते हैं. एक कली आती है इधर,
वो थोड़ा पैनल पैनल डलता है यहाँ से इधर से यहाँ से भी मत डलवाए, यहाँ से वो टेलर आपको डाल के गोलाई में काट के और नीचे तक लेके जाएगा, उस पर अगर आप पतली सी बेल लगा लेंगी तो वो इंस्टेंटली आपको लॉन्गर इफेक्ट देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर लंबा नहीं तो जो भी नेक लाइन पे बेल है छोटी ना लगाए, इतनी बहुत अच्छी टिप है ये, यहाँ तक लगाएं वो बहुत अजीब लगती है कि इतनी सी बेल लगाए और जो है उससे आप लंबे भी लगते हैं, लंबे लगते हैं जैसे होते हैं कुर्ता पट्टी यहाँ तक खत्म हो जाता है। डिजाइनर्स की देखेंगे, डिजाइनर्स नहीं जो ऐसे गंदे बुटीक वाले हैं जो जिनको काम ही नहीं पता वो यहाँ तक करते हैं, जहर लगती है वो, जितनी लंबी होती है उतना दुबला लुक आता है। अपने नाफ का जो है ना हमारा बेली बटन वहां तक ही होने चाहिए लेस, और बाकी डिपेंड करता है अगर हैवी है तो लेस ना लगाएं। अब डिपेंड करता है चौड़ी चौड़ी जितनी लेस लगाएंगे ज्यादा आप चौड़े लगेंगे। अच्छा तो आपका कहना है कि लेस जो है वो दामन पे लगाएं अगर बल्कि है और स्लीव्स पे लगाएं, स्लीव्स पे गला और गले को अवॉइड करें। आई वुड से गले को अच्छा लंबी भी रखेंगे ना तो वो एक आपकी वो अटेंशन फोकस वहीं पे फिर जाता है, तो गले को अवॉइड करें। अगर आपने बीच में आपको बहुत प्लेन लग रही है सॉलिड कलर है तो जैसे कि कहा कि यू लेंथ वाइज यहाँ से गोलाई कटवा के एक पैनल देके उस पे लगवा लें, वो बहुत अच्छा लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आप देखें लॉन के कपड़ों के साथ या आजकल सिल्क के कपड़े आ रहे हैं उसके साथ ना एक दुपट्टा आता है वो फ्रिल 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 वाला, क्यों बना रहे हैं, बुरा लगता हमारे ऊपर। देखिए वो अगर 20-22 साल की बहुत दुबली पतली लड़की हो ना तो लड़कियों के लिए क्योंकि थोड़ा सा फ्रिली है गर्ली है फेमिनिन है अच्छा लगता है, बट वेरी यंग गर्ल्स कैन ओनली कैरी इट ऑफ। 30 समथिंग योर ओल्ड ऑल्सो ठीक है फॉर्मली कभी किसी ने पहन के जाना है, बल्कि लॉन के साथ मैंने बड़े देखे सिल्क और लॉन के साथ ये फ्रिल फ्रिल वो जो डिजाइनर्स जो अपने शूट करते हैं ना उन्होंने बनाया है मॉडल के लिए, डिजाइनर्स ने एक डिस्प्ले के लिए कैटलॉग के लिए बनाया हुआ है, अदरवाइज बाजार बहुत सारे डिजाइनर्स मुझे भी कपड़े भेजते हैं और वो फ्रिल फ्रिल वाला भेजते हैं। आई थिंक वो बहुत ड्रेसी है, वो ड्रेसी है आ रहे हैं जो थोड़ी सी फेस्टिव है ना लॉन। मैं एक ब्रेक के बाद आके बात करूंगी, ब्रेक आ रही है और बातें बहुत सारी वो भी आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी बॉडी टाइप के लिए क्या बना है, और अब हम इस सेगमेंट में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से इवेंट पे क्या पहनना चाहिए या नहीं समझ आता लोगों को। अब फॉर एग्जांपल जो अभी करीबी इवेंट हैं वो हैं जैसे हम रमज़ान फेस्टिविटी की तरह सेलिब्रेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अफ्तार की दावत, आजकल सहरियों की दावत का फैशन बहुत इन है क्योंकि लोग सारे दिन ऑफिस में होते हैं तो अफ्तार तक पहुंचना एक मुश्किल हो जाता है, और आई डोंट नो मुझे खुद बजाते खुद मुझे अफ्तार रोजा खोलना ना वो अपने घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता, तो मैं अफ्तार क्विट कर जाती हूँ दावत, मैं सहरी की दावत में चली जाती हूँ। उसमें आप थोड़ा सा जाग भी रहे होते हैं तो मजा भी आता है, मिलजुल भी सकते हैं, अफ्तारी में आप बिल्कुल मजा आता, सब सोशलाइज भी नहीं कर पाते, घर का सुकून अच्छा लग रहा होता है उसका, तैयार शरबत यस पानी भी घर का, क्योंकि आप दावत में होते हैं आपको दिल भर के पानी भी नहीं उस तरह का मिलता, तैयार हो जाओ टाइम संभालना रोजे का जो ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इफ्तार पार्टीज पे भी जाना पड़ जाता है, पड़ जाता है। कुछ ऐसे इनविटेशंस होते हैं जिनको आप नहीं अवॉइड कर पाते तो आपके महीने की 2-3 तो लगती है इफ्तार पार्टीज भी। सो आप मुझे हम लोगों को ये गाइड करो कि इफ्तार में और सहरी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, दिखा दो थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कुछ इस तरह के पहन लें, फिर मैं उसके बाद ईद का पूछूंगी क्योंकि लोग देखो अभी जो डिजाइनर्स ने कपड़े निकाले ना कुछ के बहुत भरे हुए, जैसे वो जो वो थान वाले आ गए ना जो कुछ डिजाइनर्स उनके सीक्वेंस लगी हुई है, ओफ अल्लाह मुझसे देखे नहीं जाते वो इतना गंदा कपड़ा उसके ऊपर, एक तो गर्मी इतनी, वो जो आ गए फेस्टिव कलेक्शन कैसे पहने इंसान यार। अच्छा मैंने देखा देखो जैसे प्लेन है ना, प्लेन के साथ ही दुपट्टा कितना प्यारा दुपट्टा, ये मतलब अच्छा ड्रेसी सा भी है, प्लेन कॉटन ले लो या सिल्क ले लो, इसके साथ एकदम ये स्ट्रेट पैंट्स आएंगी, और तुमने एक हल्का सा ब्रोच है ये तुम किसके लिए, अफ्तार सहरी के लिए कह रही हो या मैं ये सहरी पे पहन सकती हूँ, मैं अफ्तार पे पहन सकती हूँ, डिपेंड करता है रमजान में क्योंकि आपको दुपट्टों की जरूरत पड़ती है, तो है ना स्ट्रेट सॉलिड कलर है दुपट्टा,
नहीं है तो ये डिफरेंट है, आप उसको डाई करा सकते हैं, इस टाइप का जो मटेरियल मिलता है क्या बोलते हैं उसको, ब्रोशिया, इसको आपने डाई कर लिया प्योर, तो ये भी आप स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें बिल्कुल वो स्ट्रेट है। अब ये जैसे ना स्लिम लड़की भी हो, अब ये मेरा टाइट हो गया बताओ, ये क्योंकि मेरा पुराना है तो ये अच्छा, ये जैसे ये वाला है, ये बिग स्टाइल है। अब आपने का प्लेन आपके पास ये अच्छा लग रहा है, प्लेन है ठीक है। अब प्लेन, अब इसको वेरिएशन करना है डिफरेंट ओकेजन्स पे, तो आप कोई भी ये दुपट्टा ले लें, दुपट्टा ले लें, प्रिंटेड दुपट्टा ले लें इसके ऊपर, हाँ, और इससे कलर भी ऐड हो गया, कलर भी ऐड हो गया। This is very good for अवतार भी, very nice. अवतार के लिए ज़्यादा अच्छे क्योंकि इट्स अ लाइट कलर, ठीक है ना। ये अब आपको ये ड्रेस कहीं और पहनना है तो आप कोई और दुपट्टा पहन लें। अच्छा वैसे सैरी में भी मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाइट्स हुए, ऑफ व्हाइट्स, क्रीम। अच्छा देखो जैसे ये क्या मटेरियल है तुम्हारा, ये साटन है, सिल्क, ये ऐसा ही मैट है। अवतारी में मुझे लगता है थोड़े मैट कपड़े हो, अगर आप सैरी में जा रहे हैं तो भले आप थोड़ा सिल्क साटन में भी जा सकते हैं प्लेन में, लेकिन मुझे सिल्क और सैटिन जो है अफतारी के टाइम नहीं मुझे पसंद आते, आई डोंट नो, कॉटन लॉन इस तरह का, क्योंकि गर्मी तो कराची में हो गई है, लाहौर वाहौर में नहीं हुई। आई लाइक दिस। मैंने ये जैसे कुर्ता उठाया था इसके साथ यही मैचिंग ट्राउजर्स हैं और स्ट्रेट पैंट्स हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये ओवरसाइज्ड कुर्ता है। उसके साथ मैंने दुपट्टा नहीं था, मैंने ये दुपट्टा लेके ऑर्गेंजा का, तो ऑर्गेंजा के दुपट्टे से फेस्टिव लुक, एग्जैक्टली, एकदम से इंस्टेंटली एक फॉर्मल टच आ जाता है। तो इवन इफ यू आर वेयरिंग अ कॉटन, इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसके साथ ये पहन लिया, आई कान में कुछ पहन लो, एक्सेसराइज करना तो हमेशा मस्ट है, तो इंस्टेंटली आपका जो है एक बहुत अच्छी सेमी फॉर्मल लुक आ जाती है। एंड दिस इज पर्सनली व्हाट आई वुड आल्सो वेयर टू एन इफ्तार, आराम से, बहुत कंफर्टेबली। अब ये ब्लैक मटेरियल तुम्हारा बहुत प्यारा है, हाँ, ये प्योर शमोस है, ये पीछे मैंने एप्लीक किया हुआ है, वेरी नाइस, ठीक है ना। ये कपड़ा प्रिंटेड मेरे पास रखा हुआ था, उसको कटवा कर आइडिया है, एप्लीक कर दिया, हाँ। फ्रंट पे मैंने ये लेस ले ली और अब मैं इसको, मेरा दिल चाहता है, कपड़े को क्या कहूँ, ये प्योर शमोस है, ये प्योर शमोस, उसका मतलब ये जो प्योर मटेरियल होता है ना, आपको ये पतला होगा, देखो ये प्योर नहीं है, थोड़ा सा थिक, तो ये मोटा है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको प्लेन चाहूँ, मैं प्लेन भी पहन सकती हूँ, ये जब प्लेन पहनना हो तो इसको मैं एज अ स्टोल, और ये मेरा वो स्टोल है ताकि आप दुपट्टे का दुपट्टा लगे और आप लंबा भी कोई भी पहन सकते हैं। अब ये स्टाइलिश भी लग रहा है, ईस्टर्न भी है, और ये मैंने ये मैं अलग अलग पहन लेती हूँ। अच्छा ये सलवार अलग है, ये क्यूलॉट है, ये क्यूलॉट तुमने कहीं से खरीदा हुआ है, मैंने बनवाया था, ब्लॉक प्रिंट का है, ब्लॉक प्रिंट का है, ये देखो ना इसके साथ ये। अब जैसे ये ब्लैक बनवाया है ब्लॉक प्रिंट का, ये बहुत सारी जगह है, ये देखो ये ना क्योंकि पीछे से मैंने मैच किया है, हाँ। ये इतना फ्रंट है जो तुमने कटवर्क कराया है, और ये कटवर्क है, तो ये तुमने कोई प्रिंटेड दुपट्टा उठाया था या क्या, कोई ऐसी चीज उठाई? आई वुड गो फॉर अ प्लेन दुपट्टा ऑन दिस, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी इनफ प्रिंट ऑन द शर्ट। नहीं, अगर ये नहीं पहन रहे, अच्छा ट्राउजर नहीं पहन रहे, अगर वो तो फिर ब्लैक प्लेन के साथ, तो फिर हां फिर तो स्ट्राइप, अगर हां नहीं वरना नहीं। ये मैंने कपड़ा लेके ना दूसरा एक पीस था उसको फिर मैंने ऐसे लंबा करवाया था ये। अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं इसका डिजाइन इस तरह करूंगी? वो तो हाँ एप्लीक वाले, अब जो मर्जी है मैं करवा लूं। अच्छा मैं यूं कटवा दूं या कोई आप पैटर्न हो कि भाई इसको तुम ये बना के ना पत्ती पाउन को लंबा कर दो। तुमने दर्जी को दिया या एप्लीक वाले भी अलग होते हैं? एप्लीक वाले अलग होते हैं, दर्जी के पास भी होते हैं कि वो अलग से आउटलाइन करते हैं ना। लेकिन आजकल अगर आपका दर्जी किसी मार्केट में बैठा हुआ तो वही एप्लीक वाला भी होता है, दर्जी खुद ही करवा लेता है कि बाजी मैं करवा लूंगा। दर्जी के पास ही बैठा हुआ होता है या अलग भी होता है, तो ये भी जैसे कि आपका ना थोड़ा सा ड्रेसी हो गया और देखो लंबी कमीज है, वेरी नाइस। अब ये मेरा पुराना जोड़ा है लेकिन लंबी, आगे बढ़ो तुम तो एक पे। अच्छा यूट्यूब नहीं है ये, अच्छा ये और क्या शो है? अच्छा जैसे मैंने ये अपना आउटफिट बनाया था ग्रीन वाला, हाँ। इसके साथ इट्स अ प्लेन ड्रेस, सिल्क में मैंने बनाया हुआ है, इसकी फैंसी थोड़ी सलवार है और इसके साथ काम वाला ये दुपट्टा है। वाह ये क्या काम है? इस पे पूरा ये रिली रिली मोती और धागे का काम। अगर आप क्लोज में लाए तो जैसे ये इसको रली कहते हैं, रली वर्क, जैसे लाहौर पन्नी के जो होते हैं छोटे रली टाइप, ये क्यों, ओह माय गॉड। तुमने क्या वाइट लेके डाई करा है? नहीं ये दुपट्टा मैंने एज इट इज लिया था, मैंने सिल्क डाई करा है इसे मैच करने के लिए। ये दुपट्टा एज इट इज था। ये दुपट्टा तुम्हें याद है कितने का था? ये दुपट्टा जो है ना ये फैमिली एयरलूम है, ये मेरी अम्मी का दुपट्टा था जो उन्होंने मुझे दे दिया था, अम्मी ने लिया था, एक एग्जीबिशन हुई थी पीसी में,
उधर से अम्मी ने लिए थे ऐसे दो दुपट्टे, एक लाइलैक लैवेंडर कलर का और एक ये, तो ये दुपट्टा क्योंकि इस पे इतना काम हुआ हुआ है और आपका इतना एक्सपेंसिव, इतना इतना अच्छा हैवी दुपट्टा है, तो फिर सूट आप बिल्कुल प्लेन रखें जो कि मैंने इस तरह से रखा है, डिसेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसके साथ ये प्लेन बिल्कुल जोड़ा और ये आपका इफ्तार के लिए आई थिंक परफेक्ट आउटफिट। इस तरह के दुपट्टे आपको मार्केट में मतलब लाइक अच्छी जगह से मिल जाते हैं, सुने तो सारा एक्सपेंस दुपट्टे आपके पास घर में भी रखे हुए होते हैं, जो आप लोगों ने फैंसी सूट के साथ आपके काम वाले दुपट्टे हों, जिनके लॉन के सूट के साथ बहुत हैवी दुपट्टे आते थे एक जमाने में। अच्छा सूट वेयर ऑफ करें कि ये लोग प्लेन सॉलिड कलर दिखा रहे, ये लोग प्रिंट नहीं दिखा रहे, अफतारी और सहरी की जो भी दावत है कितना प्यारा कलर। अब ये देखो कट जो है ना ये अलग है, ये बॉक्स आस्तीन है, नहीं ये जॉइंट है यहाँ से, हाँ ये यहाँ से आस्तीन जॉइंट है, कोई आर्म होल कट नहीं है और ये अच्छा खासा लूज है, ये कितना लूज है, लेकिन क्या मटेरियल है ये? प्योर सिल्क, बिल्कुल पतली वाली। देखो कौन सी वाली सिल्क है, मीडियम सिल्क, और ये मैंने शेडेड डाई किया हुआ है, डाई करवाए, टाइन डाई, वो जो थ्रेड है वो डाई वाए का है। अब आप ये प्लेन पहन लें, अब इफ्तार पे दुपट्टा चाहिए तो इस पर आप स्टोल ले सकती हैं, प्लेन दुपट्टा बना लें शिफॉन का सॉलिड, उसको भी टाइन डाई करा लें, नीचे डार्क हो या ऊपर डार्क हो तो नीचे लाइट। क्या क्या कपड़े निकल के आते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डिप डाई, नॉट टाइन डाई, टाइन डाई बिल्कुल ये डिफरेंट चीज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड अ डिप डाई कि नीचे से एक डिफरेंट कलर डिप हुआ। अब जैसे ये है इसके साथ प्लेन, आप अभी स्ट्राइप्स का ठीक है ना, ये देखें शलवार ये है इसके साथ। अब ये हम आपको भी सहरी और अफतारी की जो दावत है उसका हम आपको बता रहे हैं, पीला पीला दुपट्टा प्लेन लेने क्योंकि दोनों। अच्छा एक मिनट, जब तुम स्ट्राइप्स की बात कर रही हो तो प्लीज वो बताओ कि अगर चौड़े हैं तो कौन सी स्ट्राइप्स ना पहने। अच्छा देखो ये, देखो ये स्ट्राइप्स कैसी हैं, ये वी इसमें आप पहन सकते हैं, इसमें ये नहीं चौड़े, आप आड़ी जब होती है ना ये वाली, इसमें आप हमेशा लेंथ भी छोटी लगती है आपकी हाइट एंड बल्की लगते हैं, लंबी स्ट्राइप्स के अंदर आप हमेशा सही लगते हैं, पतले लगते हैं, पतले लगते हैं। जो कढ़ाइयाँ भी होती है ना वो लंबी 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 होती है तो वो आपको पतला लुक देती हैं, मोटे मोटे फूल के प्रिंट्स होते हैं वो आपको मोटा लुक देते हैं, बारीक प्रिंट छोटे छोटे फूल होते हैं वो आपको पतला लुक। एग्जैक्टली लोग हैं हमारे लिए सूट करता होगा ये, क्योंकि हम आप चौड़े तो वाले जी जो बहुत पतले ना जो कहते हैं हैंगर को टंगे में वो पहन सकते हैं, बड़े बड़े प्रिंट्स वो पहन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, बड़े बड़े पोल्का डॉट्स वो पहन सकते हैं, जबकि आड़ी स्ट्राइप्स इतनी अच्छी लगती नहीं है, आप देखें ना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो आड़ी होती है ना मजा नहीं आता, नहीं वर्टिकल सीधी को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। बास कपड़े होते हैं आप ले लेते हैं लेकिन उन्हें मजा नहीं आता, जो लंबी स्ट्राइप्स में या आड़ी तिरछी उरेप करके बनाओ, ये इन्होंने बीच में से काट के तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्टाइल आ रहा है, ठीक है ना। और हम तो मॉडल्स को देख के ले लेते हैं ये पतले तो ये इसका सूट हम पे भी सूट करेगा क्योंकि हम भी पतले हैं, पिक्चर में ऐसा आ रहा होता है, जब हम लेके पहनते हैं तो हमारे पर कोई सूट मुझे नहीं। आई थिंक ये आपका दिमाग में कोई बात बैठी हुई है क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप जैसे ठीक है आई कैन सी कि आपने अभी ओवर साइज पहना हुआ है और ओवर साइज बहुत फैशन में है, यू लुकिंग आई रियली लाइक व्हाट यू वेयरिंग इन फैक्ट कि प्रिंट भी छोटा है, कलर्स भी पेस्टल्स हैं, लेकिन अगर आप फिटेड भी पहनोगे तो पतला अच्छा लगता है। नहीं लोग कहते हैं खाना नहीं खाते ये लोग और रिश्तेदार तो यही नोट करते हैं कि लोग खाना नहीं खाते, ये कॉन्शियस फील कर रही है कि मैं दुबली ज्यादा लगती हूं। कल एक बहुत अच्छा हैक देखा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, जो अक्सर आप देखते हैं कोट्स के अंदर शोल्डर पैड्स और वो लगे होते हैं, जो बिल्कुल पतली लड़कियां स्पेशली जो अब जिनका थोड़ा हम्प बन गया है आप नोट करें ये बिल्कुल हड्डी होती है और वो मैंने देखा कि वो उसके ऊपर उन्होंने सिलिकॉन के पैड्स होते हैं, सिलिकॉन के जो जेल टाइप होता है, जेल टाइप होती है वो मैं बता नहीं सकती वो किस चीज में आता है लेकिन वो मिलता है ठीक है, वो तो वो आप अपने शोल्डर पे लगा लें अगर किसी भी कमीज के नीचे। अच्छा तो एक यहाँ पे पतले लोगों के लिए बोल रही हूँ, एक यहाँ पे ना बड़ी अच्छी एक लुक आ जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी बड़ी और स्ट्रेट लुक आ जाएगी, स्ट्रेट लुक आ जाएगी, वो जो यू हुए हुए होते हैं ना वो थोड़ा सा आपको यू पॉस्चर दे देगा, पॉस्चर अच्छा। तो वो जो मैंने देखा कि वो टी शर्ट्स के अंदर या वेस्टर्न कोट्स के अंदर या शलवार कमीज के अंदर भी इनफैक्ट जो आपने रेडीमेड ली है
वो अगर आप शोल्डर्स पे वो सिलिकॉन पैड्स लगा लेते हैं ना जो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, इतनी प्यारी लुक लग रही थी। मैंने कहा ये तो पतली लड़कियों के लिए एक हैक है। बहुत स्मार्ट, जैसे पुराने जमाने में मतलब पहले बहुत पैडेड होती थी, होते थे कोई शर्ट विदाउट शोल्डर पैड्स नहीं होती। अब ईद की जो तैयारी है वो रह गई, वो मैं आगे आपको किसी शो में बताऊंगी, मेरे पास टाइम कम है। यस, थैंक यू सो मच आप दोनों का, अपने कपड़े भी लेकर आई, अल्टी सारी अफतारी और सहरी की चीजें हमने आपको बता दी। अब ईद की इंशाल्लाह हम आपको किसी और शो में दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.